अपने प्यारे प्यारे हाथों से विविंडीज सेना ने दिग्विजय को पिला दिया है जूस। अब दिग्विजय जो है उंगलियां तो कर रहा है विविन को, विविन ने जो है उसको नॉमिनेट किया, विविन ने नॉमिनेट किया क्योंकि उसके हाथ में पावर थी, इसलिए अपने पावर का इस्तेमाल किया। जब दिग्विजय के भी हाथ में पावर आएगी तब दिग्विजय भी डेफिनेटली विविन डी सेना को जो है वो नॉमिनेट करेगा ही करेगा। सही बात है ना, आप भी मानते हैं ये बात, मैं भी मानती हूँ, और ये बात जो है इवन दिग्विजय भी मानता होगा। दिग्विजय जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहा है, श्रुतिका की करण की लड़ाई को जो है खुद के ऊपर लेके, उड़ता हुआ तीर जो है खुद के ऊपर लेके विविन के पास जाके जो है कुछ ना कुछ बहस कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो के जरिए बता दिया। पर सुबह ही जो है जो विविन है कुछ जूस बना रहे थे, लेमन या समथिंग कुछ चीज़ें जो है मिक्स करके कुछ कर रहे थे, तो वो जो है अपने चम्मच से दिग्विजय को बोलते इधर आइए देख टेस्ट कर, उसको टेस्ट करवाते हैं। तो इवन वहाँ पर चाहत और आशीष भी देख के जो है हंसने लग जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लड़ते रहते हैं और फिर जो है एक दूसरे को अपने हाथों से जूस पिला रहे हैं। देखिए एक अच्छे इंसान की अच्छाई जो है वो समय समय पर दिखाई देती है, वो बंदा दबा नहीं सकता अपनी अच्छाई को। आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, नॉमिनेशन टास्क के दौरान जो है काफ़ी सारे लोगों से रूड बात की, क्योंकि सामने से भी रूड था अपने करेक्टर में जो है विविन आए हुए थे, डाकिया रूड ही बात करता है। देखिए आप जाके बात करो, आप ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछो तो भाई करना है तो ठीक है ऐसा करके, वो रूड बात करते, थोड़े जो गवर्नमेंट काम करने वाले होते वो रूड बात करते, तो उस करेक्टर में थे विविन। पर दिग्विजय से जब फ़ोन किया था, दिग्विजय से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। देखिए ये एक इनका बड़प्पन है कि अपने से छोटों को जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करना जानते हैं और बदतमीज़ी नहीं करते हैं, हैंडल करते हैं और जाने देते हैं कि भाई छोटा मैं भी कभी इसे उम्र में था, मैं भी इतना शॉर्ट टाइम पर था, तो अपने ऊपर लेके जो है उस चीज़ का दिल में गुमार नहीं रखते हैं विविन। तो क्या है आपका कहना बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।